Hello, my dear students. Welcome to Baiju's exam prep, Kate and ESE, ME, and XE channel. Hope you guys are fine. So, today we the question of the day. डेली डोज फॉर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और इसमें हम बात करने वाले हैं बीओडी की सीडेड सैंपल की बीओडी की तो गाइस इसमें आ, मैंने इसके रिगार्डिंग जो है ना जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है कंसेप्चुअल पार्ट है उसकी लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी सो so दैट अगर कोई क्वेश्चन में डायरेक्टली लैंड कर रहा है और उसको उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं पता तो आप वहां से देख लीजिएगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके रिगार्डिंग मुझे बोला था कि मैम क्वेश्चन भी बता दीजिए तो आज मैं क्वेश्चन ऑफ द डे में ये लेकर आई हूँ ओके सो लेट स्टार्ट गाइज ये मेरे बारे में जानकारी आपके लिए और आपको बता दूं क्वेश्चन ऑफ द डे भी हो रहा है और कंसेप्ट ऑफ द डे भी हो रहा है कहने का मतलब है कि क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे डेली डोज है मतलब हर दिन एक क्वेश्चन या फिर उस दिन कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा और इसके साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन बता रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप बैठ के पूरा सॉल्यूशन देख रहे हो पहले पॉज करो खुद सॉल्व करो एंड देन उसके बाद आंसर को वेरीफाई करो कि आपने जो किया और फैकल्टी ने जो किया वो सही है कि नहीं Come on guys. तो आपके लिए क्वेश्चन ये रहा। करेंगे पहले आप अपने से और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, okay? so, चलिए, अब पर आपको five days BOD निकालना है 20 Celsius पर। आपको पूरी जानकारी दे रखी है। सीट कंट्रोल मतलब देखो जब भी आप, आप पानी में ऐड करते हो क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों करते हो क्योंकि पानी में डिजायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे नहीं है आप बाल्टी भर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाओगे आप पानी में माइक्रो पानी लाओगे पर पानी में तो माइक्रो ऑर्गेनिजम तब प्रेजेंट होंगे ना जब पानी में ऑर्गेनिक मैटर होगा करेक्ट इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस माइक्रो ऑर्गेनिजम जिस पानी में है उसके करेस्पोंडिंग बीओडी निकालो पर मैम वो तो हमारा मैटर का नहीं है एक्जैक्टली exactly. इसीलिए हम उसको निकाल रहे ताकि फाइनल जब हम यहाँ से हम बीओडी निकाले निकालें तो उसको हटा दे क्योंकि उससे मुझे रिलेशन ही नहीं है उस ऑर्गेनिक मैटर की डिमांड मुझे चाहिए ही नहीं है तो अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं ये वो पानी है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है बट इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है तो मुझे पहले इस सीट कंट्रोल के रिगार्डिंग बीओडी निकालना है तो बीओडी क्या होता है फाइव डेज ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस में ही चल रहा है फाइव डेज ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तो do इनिशियल आपको दे दिया एट पॉइंट टू एम पर लीटर डी फाइनल है फोर पॉइंट एट और कितना पानी है थ्री हंड्रेड एम की बीओडी कैपेसिटी है और कितना सैंपल आपने डाला है सिक्स एम ठीक है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं गाइस इसको सॉल्व कर लेते हैं एट पॉइंट टू माइनस फोर पॉइंट एट इन टू थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई सिक्स ये निकल के आएगा वन सेवेंटी एम पर लीटर ये फाइव डेज की बीओडी है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस में सीडेड सैंपल की अब ये वो टेस्ट सैंपल है जिसमें आपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाला पानी डाल दिया है ठीक है तो अब यहां पर अगर मैं डीओ इनिशियल निकालू सिक्स पर लीटर क्वेश्चन में गिवन है और थ्री पॉइंट टू एम जी पर लीटर फाइनल बीओडी है अगर सिर्फ मैं इसको आंसर बोल रही हूँ तो ये गलत है क्योंकि इसमें ये वाला ऑर्गेनिक मैटर जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिज्म कर रहे थे जो प्रेजेंट है वो भी आ जाएगा तो आपको इस वाली ऑर्गेनिक मैटर की बीओडी सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी तो उसकी बीओडी कितनी थी 170 जी पर लीटर पर ये तो एक लीटर में 170 सेवेंटी थी ना मुझे एक लीटर से मतलब दो एम एल तो अगर एक लीटर में वन सेवेंटी एम जी है तो दो एम एल में कितना होगा डिवाइडेड बाय ये कितने एम की बॉटल में प्रेजेंट है चलो जल्दी बताओ ये कितने में प्रेजेंट है 300 हंड्रेड में प्रेजेंट है ये वो आपका बीओडी होगा डाइल्यूटेड सैंपल का ठीक है क्योंकि यहां पर डाइल्यूशन किया गया है प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी अगर आपको टेस्ट सैंपल का बीओडी निकालना है तो आपको डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डाइल्यूशन फैक्टर डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया गया है आपको बोल दिया गया भाई साहब कि जो सैंपल ऐड किया गया वो कितना किया गया थर्टी एम एन टोटल वॉल्यूम ऑफ सीवेज प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर 300 एमएल है और कितना सैंपल ऐड किया गया 30 एमएल किया गया तो ये सिंपल हो जाता है आपको अब इसको आप सॉल्व करके और इसका आंसर निकाल लीजिए as simple as that तो अगर आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे 1.1 3.2 ये निकल के आएगा 17.666 यानी 17.67 mg पर लीटर ठीक है तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हाँ जरूरी नहीं है कि डाइल्यूशन हो बट आपको पता है गेट में आज तक जितने क्वेश्चन है हमेशा डाइल्यूशन होता है इसलिए यहां पर हर जगह डाइल्यूशन फैक्टर मल्टीप्लाई किया गया अगर सफिशियंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो डाइल्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है मैंने पहले बीओडी सीडेड सैंपल का निकाला क्योंकि ये वो ऑर्गेनिक मैटर की डिमांड है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ आ रहे हैं पर मुझे उसका बीओडी नहीं निकालना है मुझे बीओडी टेस्ट सैंपल का निकालना है इसलिए पहले मैंने इसको सब्सट्रैक्ट किया ये एक लीटर में वन सेवेंटी एम जी था मैंने दो एम एल डाला है तो दो एम एल में कितना होगा और ये कितना कितने पानी में कितने बॉटल में डाल रहे हो थ्री हंड्रेड एम एल में डाल रहे हो तो ये इतना अगर मैं सिर्फ करती तो ये बीओडी ऑफ डायलूटेड सैंपल आता और मुझे टेस्ट सैंपल चाहिए था इसलिए मैंने डायलूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई ठीक है सो दिस वॉज द क्वेश्चन गाइज ऐसे ही और क्वेश्चन डेली डोज के आपको सॉल्व करने होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय बाय एंड स्टडी हार्ट